जी जुलेखा, बहुत बड़ा इवेंट है जो यहाँ चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का है। आपको रैली जीत के किस तरह से लग रहा है और ट्रैक कैसा था, कैसा लगा पार्टिसिपेट? मेरी स्टॉप पे गाड़ी थी और निकले पे पेड़ में जंप अप हुई थी, तो मेरी गाड़ी उस लिहाज से तैयार नहीं थी जो वो ट्रैक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद में इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आऊँगी, लेकिन अल्लाह का करम मिल गया। सब अल्लाह की दुआओं और बड़ों की दुआओं और शांति की सपोर्ट से बहुत शुक्रिया। जी जी, हम तो कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि सारे आए, क्योंकि यहाँ पे सारा एनवायरनमेंट आपके सामने है। हम इतने अरसे से रेस कर रहे हैं और आते हैं, डेजर्ट्स में जाते हैं, चोलिस्तान, हर जल, हर जगह जाते हैं, लेकिन जितनी सिक्योरिटी और जितनी ख्वातीन के लिए आसानी है, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और है। कोई हमें कभी आज तक फील ही नहीं हुआ कि हम अपने घर से अपना घर छोड़ के हम यहाँ पर आए हुए हैं एक सहरा में। और हम तो चाहेंगे जी, जितनी लेडीज़ ख़ास तौर पर जितनी भी हैं जिनमें अगर स्किल्स हैं और वो समझती हैं कि वो थोड़ा से भी स्किल्स हैं, क्योंकि जब जी हम भी जब आए थे तो हमें स्किल्स ऐसे ख़ास कोई स्किल नहीं था, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना इस स्पोर्ट में आते हैं, उसके बाद आपको बहुत सीखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत गाड़ी चलानी आती हो, कॉन्फिडेंट हो अपनी ड्राइविंग पे, वो आके ट्राई करे, और मैं कहूँगी कि वो सिर्फ आके देखेगी भी तो उनको वो एक बूस्ट मिलता है, वो चाहेंगे कि जी हम भी करें। मैं भी ड्राइवर हूँ, डेजर्ट में हंटिंग वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं हम, मैं तो पता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरह से चोलिस्तान में और रेत के टीलों में आपको गाड़ी चलाना, और इस तरह से जो शार्प कर्व आते हैं और फिर बम्पी हो जाता है पूरा ट्रैक किसी किसी जगह पे, उसको एक्सपीरियंस, मतलब आप कितने अरसे से ड्राइव कर रही हैं और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? कि मैं ड्राइविंग तो अगर ड्राइविंग की बात करें तो मैं 14 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ, और ये रेसेस में और ये आपके जो डेजर्ट में हम आके गाड़ी चलाते हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि बम्पी हो जाता है और टीले होते हैं और ये होता है, ये जी प्रैक्टिस से होता है। ये जब आप, मैंने आपको कहा ना कि आके ट्राई करें, वो एक दफ़ा करें, आराम से करें, आपको आप आराम से उसको सीखें। ये गेम है, हर गेम सीखने से आती है, हर काम सीखने से आता है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपका खौफ, हमें भी बहुत खौफ था जब हमने स्टार्ट की कि ओ हम कैसे मोड़ेंगे, लेकिन आ गया ऐसा ऐसा कर कर के। हमारे सीनियर्स इतने हैं जिनकी हम बातें सुनते हैं और जिनको देखते हैं, उन्हीं को देख देख के हमें आ गया कि यार हम भी ट्राई करते हैं। तो हमेशा जब आप ट्राई सही करते हैं वो सही होता है, और आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है।